हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी एन ऑनलाइन अकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये असाइनमेंट या कम्युनिटी इंगेजमेंट कह सकते हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में होता है आपका, जिसमें आपका जागरूकता मतदान जागरूकता अभियान के ऊपर ये वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो यूजफुल होगा। इसमें आपको चार्ट भी मिल जाएगा मतदान जागरूकता से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मतदान जागरूकता अभियान की आवश्यकता मात्र इसलिए है कि अपने मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री चुनने हेतु सभी नागरिक अपनी भागीदारी निभाएं। इस अभियान की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। मतदान दिवस को महत्व न देना, मतदान दिवस को महत्व न देना, मतदान दिवस को नागरिकों द्वारा मात्र एक अवकाश के रूप में समझना, मतदान के महत्व को न समझना, अन्य आवश्यक कार्यों के कारण मतदान दिवस को भूल जाना, कम पढ़े लिखे लोगों को उनके महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में। फिर सामुदायिक कार्य विशिष्ट क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपने ये कार्यक्रम किया होगा उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी, उसका स्थान, दिन और समय, ये तीन चीजों का आपको विवरण देना होगा। फिर सामुदायिक कार्य का विस्तृत विवरण प्रस्तावना में। हमारा भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक गण है। हमारे देश में सरकार को चुनने का अधिकार आम नागरिक को प्राप्त है, किंतु दुर्भाग्य यह है कि आज 70 साल बाद ही मतदान का प्रतिशत औसत 50% है। इसके बहुत से कारण है, जैसे लोग अपने अधिकार या सोचना है कि अकेले वोट से सरकार बनने में क्या योगदान होगा, पता होना चाहिए। सागर बने धागे लगे से चादर, वोट से सरकार बने मतदान करना करें ज्यादा। फिर अगला पॉइंट है, कम प्रतिशत मतदान से अयोग्य सत्ता आते हैं तथा स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हालांकि इसमें नेताओं का कोई दोष नहीं है, तो मात्र तथा इस अंधकार में एक प्रकाश का दीप जलाने हेतु हमें शिक्षा विभाग अध्यक्ष द्वारा अपने विभाग अध्यक्ष का नाम लिखेंगे और समूह नियंत्रक जो होंगे उनका नाम लिखेंगे द्वारा छात्रों को निर्देशित करके एक सराहनीय प्रयास किया गया है। जनवरी 9 को कार्य सराहनीय प्रेरणा स्रोत आयोग को फरवरी 19 को धूप भगाना, मतदान ही मात्र प्रयोग है। मात्र उत्तरदायित्व है जिसका अधिकार स्वयं नागरिक सरकार को प्रदान करती है, किंतु मतदान के प्रति अरुचि को समाप्त करने हेतु ही शिक्षा विभाग द्वारा ही इस सामुदायिक कार्य का लोकार्पण किया गया, जिससे लोग जागरूक हों और अपने मतदान का प्रयोग करें। सामुदायिक कार्य की योजना एवं कार्यक्रम। इस सामुदायिक कार्य की योजना 9 जनवरी को सुनिश्चित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा की गई सामुदायिक कार्य के लिए निर्देश दिए गए, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा तथा इसलिए 2 दिन पूर्व ही योजना बनाई गई। योजना के अंतर्गत सभी छात्रों को 10 बजे अरविंदो पार्क मुंशीपुलिया इंदिरा नगर पहुंचने को कहा गया। योजना अनुसार रैली 10:30 बजे एकत्रित की गई और 12:30 बजे तक रैली मतदाताओं को जागरूक करेगी और उसके बाद अल्पाहार प्रदान किया जाएगा। फिर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की समय सारणी आपकी बनी होगी, उसके बारे में लिखना है आपको। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की योजना 9 जनवरी को विभाग के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा मतदान जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित व्याख्या कितने बजे होगी। फिर मतदाता जागरूकता रैली का शुभारंभ कितने बजे होगा। फिर मुख्य चौराहे एवं स्थानों पर पर्चे व स्लोगन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा और मतदाता जागरूकता रैली का समापन कितने बजे होगा। फिर अल्पाहार यानी कि जो लंच होता है वो कितने बजे मिलेगा, ये पूरा इसका शुरू। सामुदायिक कार्य का क्रियान्वयन। हम सभी छात्र योजना अनुसार निश्चित समय पर अरविंद पार्क पर 10 बजे पहुंच गए और 10:30 बजे रैली की शुरुआत की गई। प्रत्येक छात्र अपने हाथों में बैनर तथा तिरंगे गुब्बारे पकड़े हुए नजर आए। प्रत्येक छात्र को मतदान
मतदाता जागरूक हेतु पर्चे भी दिए गए जो कि नागरिकों को बांटे जाने थे। रैली की शुरुआत हुई तथा इंदिरा नगर होते हुए मुंशी पुलिया पर पहुंची और अंत में दोबारा अरविंद पार्क पहुंची जहां से शुरुआत की थी। अंत में गुब्बारों को हवा में उड़ा दिया गया। फिर सभी ने विश्राम किया और उसके बाद जलपान कर कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। फिर निष्कर्ष लिखना है, मतदान जागरूकता कार्यक्रम के अंत में हमें समझ आया कि अभी इतने लोग ऐसे भी हैं जो मतदान की तारीख के प्रति समझ शून्य है जिनकी, किंतु रैली के उपरांत भ्रांतियां दूर हो गई। मतदान की तारीख के प्रति सभी जागरूक हुए, मतदान का महत्व समझ गए। मतदाताओं ने मतदान का संकल्प लिया, उन्होंने अपनी सरकार चुनने में हिस्सेदारी निभाने का वादा किया। 19 फरवरी को मतदान हेतु मतदान पर्व मनाने का वादा किया। इस उत्कृष्ट कार्य हेतु था वोट करें। तो ये आपका असाइनमेंट रिटर्न हो गया लिखा हुआ। और फिर उसके बाद आप इसमें आ जाते हैं चार्ट या पोस्टर मेकिंग। तो ये इस तरीके से आपको पोस्टर मेकिंग करनी होगी जो आपको तैयार करना होगा। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो पुराने वीडियोस हैं, पिछले साल के वीडियोस हैं, उनका पीडीएफ नहीं अवेलेबल होगा। इधर जो 2021-22 फाइलें होंगी उनका पीडीएफ अवेलेबल होगा। उनका